हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूँ अरुष और आप देख रहे हैं गेमिंग स्टंट्स आरुष। दोस्तों यार जानते ही हैं सब क्या हुआ है। हुआ क्या है कि मैं बता देता हूँ खुद से। मैं स्मार्ट टेक के साथ एक किया था 1v1 मैच और मैं उसमें हार गया हूँ यार। कोई उसमें मैं ऐसे नहीं बोलूँ कि ये हार के वह हार गया, बस हुआ क्या था, मेरे पास पिस्टल तो मैंने भी थोड़ा प्रॉब्लम करा था, इसलिए मैं बस थोड़ी हो गई प्रॉब्लम मुझसे गलती। तो अगर आपको देखना है पिछला मैच क्या हुआ था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके मैंने शूट नहीं किया था, वो वीडियो उसने शूट किया था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक रीमैच किया ये वाला, तो मैं और स्मार्टेक दोनों वही हैं बंदे। हम लोग इसमें करने वाले हैं 1v1 सोलो है। तो मैं अभी यहाँ उतर रहा था नॉर्मली अपने, और मैं उसे देख रहा था कि कहाँ उतर रहा है, तो मुझे वहाँ दिख गया पीछे एकदम था वो काफ़ी। तो मुझे समझ में आ गया था कि काफ़ी टाइम है मेरे पास लूट करने के लिए, और फिर बस मैंने लूट करना स्टार्ट कर दिया। देखिए आप मुझे क्या क्या लूट मिली, सो लेट्स गो। तो इस टाइम पे मैं काफ़ी डरा हुआ था क्योंकि मेरे पास कोई गन नहीं थी, एक पिस्टल ही थी, और मैं गन ढूंढ रहा था। तभी मेरे सामने बूम मज़ा आ गया, मतलब गन्स का खजाना आ गया था। दो गन, स्कारल और UMP 9, और काफ़ी एमओ भी थी दोनों में। तो मुझे थोड़ी राहत मिली, हाँ ठीक है, क्योंकि मुझे पता कि वो पुश कर ही रहा होगा क्योंकि वो हमेशा पुश करता है हर मैच में। लेकिन फिर भी मुझको यार एक कुछ चाहिए था, या मुझे चाहिए था एक स्कोप, क्योंकि मैं कोई भी गन में कोई स्कोप नहीं लगा था। तो बस मैं स्कोप ढूंढ रहा था, देखिए मुझे कहाँ मिलता है। तो इस टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मुझे स्कोप नहीं मिलेगा, और मैं बस सोचा था आखिरी घर में आन चला जाऊँ चेक कर लूँ, क्योंकि मैं उसके पास धीरे धीरे जाता जा रहा था। तो बस मैं इस घर में गया और बूम गाइस, मुझे यहीं पे स्कोप पड़ा मिल गया, एक रेड डॉट। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं था लेकिन फिर भी सही था। तो मैंने सोचा मुझे एक बैक पैक की भी ज़रूरत है क्योंकि मैं बैक पैक फुल हो रहा था, और बूम मुझे एक बैक पैक भी मिल गया लेवल 3 का वो भी। तो अभी तक मेरे पास काफ़ी प्रिटी डिसेंट लूट आ गई थी। तो मैंने सोचा थोड़ा कैंप करना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि वो पुश कर रहा होगा और कैंप करना ऐसे टाइम पे सही रहता है। तो बस अब लेकिन इस समय मैं कैंप नहीं कर रहा था, मेरी स्क्रीन प्रॉब्लम कर रही थी और इसलिए मैं उसे वाइप करने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारी मूवमेंट होने लगी थी उससे गलती से, वो मेरी इंटेंशनली मूवमेंट नहीं थी, और बस वेट कर रहा था मैं अब उसके लिए। और लेकिन इस समय मुझे फुटस्टेप की आवाज़ आने लगी थी, इसलिए मैं बैठ गया था, मतलब लेट ही गया था पूरा इस बार इंटेंशनली वाला। तो मैं इसलिए एकदम धीमे धीमे चल रहा था क्योंकि मुझे फुटस्टेप्स की आवाज़ आ रही थी और मुझे पता था कि वो बहुत पास आ गया है मेरे। अब बस मैं यहाँ वेट कर रहा था और बस देखते हैं। इस टाइम पर फुटस्टेप्स की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई थी गाइस, बहुत तेज़। और मुझे समझ में आ रहा था कि वो मेरे काफ़ी पास आ चुका है और एकदम बहुत ही तगड़ा आवाज़, और मैप पे भी देखने लगा था उसके फुटस्टेप्स, और मुझको फीलिंग आने लगी थी, मतलब लग रहा था कि वो मेरे घर में आ रहा है। लेकिन उसी समय पे बीच बीच में उसके फुटस्टेप्स गायब हो जाए तो तब मैं थोड़ा हिल रहा था, तो उसकी मूवमेंट भी होने लगी थी। तो ऐसे ही हम लोग का थोड़ी देर तक चलता रहा, और मतलब बीच में मुझको लगा कि शायद वो ऊपर आ रहा है, और मैंने सोचा कि अब शायद मुझे पुश करना चाहिए, अब बैठे रहेंगे तो शायद वही आके मुझे मार दें। तो मैंने सोचा अब जैसे वो ऊपर तो आ ही चुका है, अब मुझे धीरे धीरे उसे जाके मारना चाहिए। तो मैं उसे देखते देखते जा रहा था एकदम धीरे धीरे,
और जब वो गेट खुला हुआ दिखा मुझे, मैं समझ गया कि वो आ चुका है। और फाइनली गाइस हम लोग जीत गए। यस गाइस हम लोग जीत गए। ये वाला मैच है बहुत ही अच्छा मैच था यार। और मैं जा गया आगे, मैंने देखा उसके पास क्या लूट थी, और बहुत ही अच्छी लूट थी उसके पास, कारल और वीएसएस टीम। तो मुझे बहुत मज़ा आया खेल के मैच। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा के। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए 1v1 की तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।